सिद्धार्थ नगर में 5 दिवसीय हिंदू नववर्ष महोत्सव का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री अनिल राजभर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि इस तरह का आयोजन होने से हिंदू समाज को प्रेरणा मिलेगी। वहीं महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी हर संभव कदम उठा रही है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश और विधायक प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने कहा कि कई वर्षों से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जो आगे चलकर और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। कि हिंदू नववर्ष के आगमन पर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करके और इतना बड़ा इतना अच्छा संदेश जो आप लोगों ने दिया है, निश्चित तौर पर पूरा हमारा हिंदू समाज डुमरियागंज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेगा और विभिन्न विभिन्न जगहों पर नववर्ष के आगमन की खुशहाली को हम इसी तरह मनाएंगे। हम पिछले कई वर्षों से हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करते थे। अब यहाँ की जनता ने हमें हिंदुत्व पे हमें एक पहचान दिया, हमें यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुना, तो हम थोड़ा इसको बृहद स्वरूप देने का हम सारे लोगों ने डुमरियागंज के लोगों के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का हम लोगों ने सोचा और एक अच्छा हमारे लिए इस डुमरियागंज और जिले के लिए था कि इसी मिट्टी में पैदा हुए हमारे योग ऋषि और महर्षि के रूप में पूरे देश और दुनिया में चर्चित हुए महेश योगी जी भी इसी भूमि के हैं। उनसे चर्चा करके हम लोगों ने इसकी रचना योजना बनाई, जो यह हिंदू नववर्ष महोत्सव का कार्यक्रम 5 दिवसीय किया गया। आज इसका शुभारंभ हो रहा है।